प्रदेश हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर से अधिवक्ता और विधि विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम पीपल शिवपुरी आगमन पर समस्त मीडिया बंधुओं से चर्चा करते हुए बताया कि अभी हाल ही में हुई है कानून के बदलाव से जनता के हित में है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कमी के कारण अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अपराधों में पूर्ण रूप से अंकुश लगा पाएगा। इस समय नशा को लेकर बताया कि अगर पुलिस की कार्यवाही वैधानिक पूर्ण रूप से हो जाए तो हर जिले को नशा मुक्त किया जा सकता है। इस अवसर पर समस्त पत्रकार बंधुओं ने श्रीफल शॉल और फूल मालाओं के साथ एडवोकेट पीपल का स्वागत किया। दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। डॉक्टर विक्रम पीपल जी, आप ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी भी प्रैक्टिशनर हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं, लोगों को जागरूक करने में तमाम ऐसी गतिविधियों में एक्टिव रहते हैं। अभी नए कानून भारत सरकार ने निकाले हैं, उन पर आप क्या बताएंगे जनता को जागरूक करने के लिए? आप सभी मीडिया बंधुओं को सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है कि अभी जो नए कानून आए हैं वो समाज में किस लिए उपयोग कैसे उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, कानून तो वो समय से भी हैं, लेकिन उनका समाज में फिर भी अपराधों में रुकावट नहीं आ पा रही थी। इसको लेकर के बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन जब होता था उस इन्वेस्टिगेशन के दौर में कमी रहती थी। आपको इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होती थी उसका थोड़ा सा कमी रहती थी, और ये जो नए कानून आए हैं उसमें उसकी पूर्ण रूप से पूर्ति हुई है। जैसे अगर आज की घटना कारित होती है और घटना में अगर आप उसका वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद में वो भी आपका जो है ना आपका ना वो वीडियो पर भी 65 जो अपना एविडेंस और 65 जो एविडेंस एक्ट है उसके थ्रू पहले वैलिड माना जाता था। जब सर्टिफिकेट नहीं आता था तब तक वो कुछ होता नहीं था उसमें। अब लेकिन हुआ ये है कि बिना सर्टिफिकेट के भी वो आपकी आयो वीडियो को लेकर के इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर सकता है। और चूंकि मुझे लगता है कि ये जो नया कानून आया है ये समाज के लिए बड़ा उपयोगी होगा, अपराधियों को बहुत जल्द इसमें दंड मिलेगा, न्यायालय जो प्रक्रिया है आप ट्रायल जो है वो स्पीड से चलेगा, है ना, बहुत सारे प्रभाव समाज को देखने को मिलेंगे। नहीं सर, एक ऐसा ही मुद्दा रहता है यहाँ पर भ्रष्टाचार, इस पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा क्या? क्या आपने एक प्रेस नोट जारी भी किया था नैतिक शिक्षा के ऊपर, तो क्या नैतिक शिक्षा वाले व्यक्ति इस पर बताएं सर? हाँ देखिए, नैतिक शिक्षा पर मैंने जो मेरा प्रेस नोट निकला था उसमें ये था कि वो एक अध्ययन का वो था विषय, वो अध्ययन के माध्यम से हमने निकाला था। चूंकि लेकिन समाज में आप देखते हैं भ्रष्टाचार निवारण अलग से कानून बना हुआ है, निवारण अधिनियम, लेकिन उस पर रोक फिर भी नहीं लग पा रही है। उसके पीछे कारण यह है कि पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, यानी जो कानून हमारे देश में है उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम। चूंकि मैं खुद ग्वालियर में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते करते साथ में मेरा ये काम रहता है कि समाज में अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करें, तो वो सब करेंगे तो मुझे लगता है समाज के बीच में इन कानूनों का उपयोग हो पाएगा। सर, अभी देखा जाए तो नशे को लेकर जो शहर में प्रभाव चल रहा है उसमें क्या हो गया? हाँ, एनडीपीएस के जितने भी मामले आते हैं तो एनडीपीएस के मामले में जो भी पुलिस कार्रवाई करती है उस पर अगर ठीक ढंग से अगर कार्रवाई की जाए तो अपराधियों में बहुत सारे अपराधों में ऑटोमेटिकली रुकावट आएगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे कुछ बिंदु होते हैं जिनको मैं खुले मन से बोलना उचित नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी आप सब समझते ही हैं कि क्या है इसको रोकने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि अगर ऐसा कहीं कोई अपराध की एनडीपीएस के मामलों में संलिप्तता है तो आप उसको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से, है ना, या उसको आप ऐसे कवरेज करें जिसके माध्यम से हम उसका खुलासा कर सकें, तो उन खुलासे के आधार पर अगर मान लो FIR होती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा प्राइवेट कंप्लेंट आप कोर्ट में दायर कर सकते हैं, उनके खिलाफ में कोर्ट जो है उस पर एक्शन ले सकता है। सर,